कुर्ब चाहते हो अल्लाह का, जो चीजें अल्लाह ने फर्ज की हैं उस पे हमेशा की इख्तियार करो, उसकी पाबंदी करो, उसके बाद नवाफिल अदा करो। तो पहली चीज फराइज। अब हदीस सुनिए, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं बंदा जो जो इबादतें करके मेरा कुर्ब पाता है उनमें से मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा वो इबादत है जो मैंने अपने बंदे पर फर्ज की है, जो मैंने चीज फर्ज की है उसके जरिए जो मेरा कुर्ब हासिल करे, इससे ज्यादा कोई इबादत मुझे पसंदीदा, मेरे कुर्ब का कोई और पसंदीदा जरिया नहीं है। सबसे ज्यादा पसंदीदा जरिया क्या है कि बंदा मेरे फर्ज करदा इबादत बजा लाए और मेरा कुर्ब हासिल करे। आपने लोगों को देखा होगा जो फर्ज नमाज को तो अहमियत नहीं देते, क्या फर्ज को तो कोई अहमियत नहीं देते, तस्बीह हाथ में ली होती है अल्लाह का कुर्ब पा रहा है जी, को वजीफा दस हो न जी, नमाज पढ़ता नहीं है, मुर्दार पड़ा रहता है सुबह भी दिन को भी, फिर कहता है कि जी कुछ क्या बता दे मुझे, वजीफा बता दें। मेरा दोस्त, जो चीज मालिक ने फर्ज की है इससे बढ़कर ज्यादा चीज अल्लाह को महबूब नहीं है कुर्ब दिलाने के लिए। मैं अक्सरियत को देखता हूं, वज़ाइफ पे जोर होता है, विरदों पे जोर होता है, कई नवाफिल भी पढ़ लेते हैं लेकिन फर्ज को वो अहमियत नहीं देते। ये हम जैसे लोगों ने ही तो इनको तबाह किया हुआ है ना, ये पूछते नहीं हो भाई तू फर्ज की पाबंदी करता है कि नहीं करता। तो मेरी बात सुनिए, अल्लाह के पाक पैगंबर के इरशाद की तरफ कान धरिए। फरमाया मा तकर्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ्तरज़्तु अलैहि। सबसे पहली बात, अल्लाह के फर्ज करदा इबादतें चाहे वो रोजा है, बंदा फर्ज रोजे तो ना रखे और ईद गुजरने के बाद छह रोजे रख ले जी, कुर्ब मिल जाएगा जी। ज़कात तो बंदा ना दे, सदकात दे दें मिल जाएगा कुर्ब ना। मेरा दोस्त, सबसे पहली चीज अल्लाह का कुर्ब दिलाने वाली वो अल्लाह की फर्ज करदा इबादतें हैं और उसके साथ फिर नवाफिल हैं। और अल्लाह के पाक पे अंदर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं वमा यजालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा हमेशा मेरे करीब होता रहता है नवाफिल के जरिए, यहां तक कि मैं उसे मोहब्बत करने लगता हूं। पहला दर्जा फर्ज का, उसके बाद वो नवाफिल पढ़ता है, फर्ज के साथ साथ नवाफिल पढ़ता है और मेरा कुर्ब तलाश करता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो वो मेरा महबूब बन जाता है। तो बंदा महबूब ही को कुर्ब देता है कि दुश्मन को जी? तो जब महबूब बन गया मालिक ने समझो कि कुर्ब से नवाज दिया। और अजीब बात, जिसको मालिक ने कुर्ब से नवाज दिया दुनिया में, जब दुनिया में कुर्ब अता कर दिया तो आखिरत में कभी भी उसको रहमत से दूर नहीं करेंगे। जब दुनिया में नहीं किया, दुनिया में कुर्ब से नवाज दिया तो आखिरत में कैसे दूर करके महरूम करेंगे।